हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप सबके। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो सिक्स ग्रेट फूड्स जिन्हें आप सब अपने प्री वर्कआउट मील में ऐड कर सकते हो, जिससे कि आपको अपने वर्कआउट के दौरान ज़्यादा देर तक वर्कआउट करने में हेल्प मिलेगी और आप जल्दी थकोगे भी नहीं। तो वेलकम बैक अगेन गाइस हमारे अपने एम ठाकुर फिटनेस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो और याद से बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलो गाइस चलते अपने टॉपिक की ओर और बात करते हैं सबसे पहले नंबर फूड की। सबसे पहले नंबर पर है बनाना। बनाना एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड है, इसे आप अपने प्री वर्कआउट मील में ऐड कर सकते हैं। ये गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स है, इसमें अच्छे अमाउंट में कार्ब, फाइबर और प्रोटीन होता है। एक वन लार्ज साइज बनाना में 90 to 100 कैलोरीज होता है। बनाना में कार्ब्स 23 ग्राम होता है, प्रोटीन 1 ग्राम और फाइबर 2.6 ग्राम होता है। और आप सबको तो पता ही है कि कार्ब्स कितना जरूरी है वेट गेन के लिए। प्रोटीन आपके मसल्स को रिपेयर करता है और फैट को स्टोर होने नहीं देता, और फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ऐसा नहीं है कि केला सिर्फ वेट गेन के टाइम पे खाया जा सकता है, नहीं, इसे आप अपने फैट लॉस के टाइम पे भी खा सकते हैं। बस आपको एक लिमिट में खाना होगा, ऐसा नहीं करना कि फैट लॉस कर रहे हो और 4 से 5 केला खा लिया, फिर तो आप अपना फैट लॉस कर ही नहीं पाओगे, मोटे होते जाओगे। इसलिए एक लिमिट में खाओ। मैं हर बार बोलता हूँ कि कुछ भी करो लिमिट में ही अच्छा होता है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर फूड की। सेकेंड नंबर पर है होल व्हीट ब्राउन ब्रेड। होल व्हीट ब्राउन ब्रेड एक रिच सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसमें आपको अच्छे अमाउंट में प्रोटीन, फाइबर, पोटाशियम और कार्ब्स मिल जाता है। होल व्हीट ब्राउन ब्रेड के पर स्लाइस में 69 कैलोरीज होते हैं। इसमें 12 ग्राम कार्ब्स, 2 ग्राम फाइबर और 3.6 ग्राम प्रोटीन होता है। इसे आप प्री वर्कआउट मील में ऐड कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्री वर्कआउट मील है। होल व्हीट ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस 2 टेबल स्पून पीनट बटर के साथ। इससे आपको वर्कआउट के टाइम एनर्जेटिक फील होगा, वर्कआउट भी फोकस के साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर फूड की। तीसरे नंबर पर है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड है। ये फैट लॉस कर रहे लोगों के लिए बेस्ट प्री वर्कआउट फूड है, क्योंकि ये लो कैलोरीज फूड और हाई प्रोटीन फूड है, और इसमें फैट और कार्ब भी बहुत कम होता है। ये फैट लॉस कर रहे लोगों के लिए बेस्ट है। ग्रीक योगर्ट रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। पहले ग्रीक योगर्ट इंडिया में अवेलेबल नहीं था, बट अभी है। आप लोग इसको ट्राई करो, बहुत अच्छा रहेगा। 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट में 60 कैलोरीज होता है, 3.5 ग्राम कार्ब्स होता है और 10 से 15 ग्राम प्रोटीन होता है। फोर्थ नंबर में है ओट्स। ओट्स एक होल ग्रेन फूड है। ये गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ओट्स वेट गेन और वेट लॉस दोनों के लिए अच्छा है। ओट्स को बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और इसमें फाइबर और प्रोटीन भी अच्छे अमाउंट में होता है। बट जो मार्केट में मसाला ओट्स है वो अच्छे नहीं है, इससे अच्छा आप प्लेन ओट्स खाएं, वो अच्छा रहेगा। न्यूट्रिशन फैक्ट्स की बात करें तो 100 ग्राम ओट्स में 389 कैलोरीज होती है, प्रोटीन 17 ग्राम, फाइबर 10.6 ग्राम और फैट 7 ग्राम होता है, जो कि बहुत अच्छा है। ओट्स जल्दी डाइजेस्ट भी होता है। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर फूड की, वो है स्वीट पटेटो। स्वीट पटेटो को आप अपने प्री वर्कआउट मील में ऐड कर सकते हैं। ये एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड है। इसको फैट लॉस कर रहे लोग और वेट गेन कर रहे लोग दोनों खा सकते हैं। कुछ लोग स्वीट पटेटो को आलू से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसके नाम पे पटेटो आता है। बट न्यूट्रिशन में देखें तो स्वीट पटेटो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है नॉर्मल पोटैटो के कंपैरिजन। स्वीट पोटैटो में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन भर भर के पाया जाता है। स्वीट पोटैटो में आयरन भी बहुत पाया जाता है, जिससे कि आपको एनर्जी की कमी नहीं होगी वर्कआउट के दौरान। अब बात करते हैं लास्ट नंबर फूड की, जो है ब्राउन राइस। ये ज़्यादा अच्छा है वाइट राइस के मुकाबले, क्योंकि व्हाइट राइस को बहुत रिफाइन किया जाता है, इसीलिए सब ब्राउन राइस को प्रेफर करते हैं खाने को, क्योंकि इसमें मिलावट नहीं होता और ब्राउन राइस में न्यूट्रिशन भी ज़्यादा अच्छा है व्हाइट राइस। ब्राउन राइस में प्रोटीन, मैग्नीशियम, पोटासियम और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं। ब्राउन राइस हेयर और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्राउन राइस को खाने से फैट भी नहीं बढ़ता और ये कॉम्प्लेक्स कार्ब का अच्छा सोर्स है, इसीलिए वर्कआउट करते टाइम आपको हेल्प मिलेगा ज़्यादा वर्कआउट करने के लिए और जल्दी थकान भी नहीं होगा। इसीलिए आप ब्राउन राइस को ऐड कर सकते हैं अपने प्री वर्कआउट मील में।
तो ये थे वो सिक्स फूड्स जिन्हें आप अपने प्री वर्कआउट मील में ऐड कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी फूड को अपने गोल के अनुसार खा सकते हैं। तो वीडियो में बस इतना ही गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिट रहो, हिट रहो।